हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत जैसे कि हो गई है, मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने कपड़े भी पहन लिए। आज मैं पहन के जा रही हूँ गाइस ये सूट, और उसके ऊपर पहनूंगी स्वेटर। और कंघी जस्ट अभी करनी है क्योंकि अभी थोड़ा सा काम रहता है मेरा। तो मैंने सोचा पहले मैं कपड़े पहन लूँ, नहा लूँ, पूजा कर लूँ, उसके बाद ही बाकी का काम शुरू करूँगी। आज थोड़ी स्टैटिक मैंने चेंज कर ली अपनी, तो बस अभी मैं इसके ऊपर स्वेटर वेयर करूँगी। और मतलब अभी आधा पौना घंटा है मुझे जाने में। तो रौनक चला गया है स्कूल, उसको मैं छोड़ आई थी, और अभी मैं भी जस्ट आधे पौने घंटे में निकलने मेरी वाली। तो मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। तो गाइस, लंच में मैं खा रहा हूँ आलू के पराठे और साथ में दही। वैसे एक्चुअल में तो पराठे मैंने ही बनाने थे, लेकिन मम्मी ने ना क्या किया, मम्मी को मैंने कहा था कि बनाना ना, मैं खुद बना लूँगा पराठे, लेकिन मम्मी मानी नहीं। मम्मी ने ललिता मम्मा को बोल दिया, तो ललिता मम्मी ने मुझको पराठे बना दिए। तो हाँ, थोड़ी सी कोशिश मैंने की थी बनाने की, लेकिन फिर ललिता मम्मा ने बना दिया था। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑफिस से आ गई थी, और नहीं मेरे पता था बाल कैसे हो रहे आपको? गाइस, मैं आजकल ना मुझे अपने आप को देख के ना बहुत बुरा सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है कुछ कुछ चेंज होना चाहिए मतलब, पर हो नहीं रहा। बाल भी मेरे अजीब से हो मैं रखे बताऊँ हैं। चेंज करने को कुछ हाँ बोलो। अपने बालों पे, वो क्या कहते हैं, सीमेंट लगा लो, पत्थर वाले बाल एकदम चेंज। मैं सोच रही थी कोई मुझे अच्छे एडवाइस दे रहा है मेरे बालों में। कहीं सीमेंट लगाने के लिए बोल रही है कि और मेरे मुंह बाल पे, ऐसे सीमेंट लगाएंगे और ऐसे अटक जाएंगे, तो हाँ, मतलब वो और नहीं। मुंह मैं पे नीला पेंट सीरियसली कर लो दोनों सीरियसली बाल। बोल रही हूँ, मेरे अपने आपको देख के ना बड़ा मूड सा खराब होता है कि बालों को ऐसे हो रखे। सुबह भी मैं ऐसी गई हूँ ऑफिस जल्दबाजी में, फटाफट से कि बालों में से रबड़ लगाया और फटाफट से मैं निकल गई, और कुछ भी नहीं बस। और अभी मैं ऑफिस से आधा घंटा हो गया है, चाय हमने पी ली है, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट बाहर सामान लेने। तो गाइस, अभी पूरा दिन नहीं किया, मैं आपको दिखाती हूँ मैं आपको क्या पर मैं अभी भी चाय के दिखा। अलावा कुछ और पी रहा हूँ। हाँ, तू अपना टाइम पास कर। ये क्या कर रहे हो, ये चप्पल चप्पल लेके आए निकाल, हो? हाँ ये क्या सब कर रही है, लेके दोनों आया, आपको बस परेशान कर रही हैं? हाँ चप्पल निकाल रही हूँ उनको दिखाने के लिए। अरे वाह, बड़ी तो प्यारी है लग रही चप्पल तो। ना, अच्छी है ना? हाँ, ये इस पे वो काम हो रखा है वैसे। हाँ, गोल्डन गोल्डन सा, सिल्वर हाँ, भी साथ भी चल जाएगी, गोल्डन के साथ दोनों भी। के साथ चल जाएगी क्योंकि कलर हाँ दूसरा है ना ये। हाँ ये वो है कलर। ये दबका दबका वर्क हो रखा है इस पे भाभी, है हाँ ना? निंडक भी लगे हुए हाँ, हैं। दोनों चीजें प्यारी लग रही है, पर पहन के तो नहीं दिखाओगे ना? क्या पहन के तो दिखाओगे? नहीं, जुराबे पहन रखी हैं। क्या पहन? तिलक नगर से हाँ एक पैर में यहाँ पहन से लेके रखी आए हैं। हो ना? हाँ, इसकी चप्पल वैसे ही भाभी ऑफर मिली थी कुछ, हाँ 50% लेस पे है, ये ना बहुत बड़ी प्यारी लग अच्छी रही लग रही है। है ना? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। और जुराबे पहनी हुई है। मैं तो सही लग सोचता रही हूँ है, एक उतार के दिखा देती हूँ अच्छी लग रही है बहुत। तेरे को, दिखा दी उनको तो वो भी तो दिखाती। भैया को तो भैया को भी दिखा दो ना। अरे छोड़ ना इनको, बुढ़ा हो, इनकी तो बेटी की है, ये अपने में मस्त है। तो क्या अल्ट्रासाउंड सही आया? अल्ट्रासाउंड सही आया है तो अच्छा पेट में इन्फेक्शन है। अच्छा हाँ, जबकि अभी बाहर का कुछ नहीं खाते, देख पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, कभी भी किसी चीज से भी हो सकता वो तो है। किसी जी भी अब है थोड़ा ना आपको कि हम नहीं बाहर का। याद है, आपको नहीं याद, कई चीज घर में हम बायबादी भी खा लेते हाँ हैं, वो तो है, बाय इससे वाले तो हम होता खा ही है। लेते हैं, हाँ तो हम खा लेते हैं, पड़ी होती है तो हम सोचते हैं चल वेस्ट क्या करें। सब्जी पड़ी हुई क्या हाँ करें, है ना? हाँ ये क्या करनी, कहते उससे भी हो जाता है, और कई बार बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो होते हैं वो आ जाते बैक्टीरिया आ हैं। जाती है। हाँ, हाँ आ तो जाती बैक्टीरिया है। भाभी में तो क्यों आता है, हाँ क्योंकि हम थोड़े कई बार होता है ना कि सब्जी पड़ी हुई है तो उसमें अगर बासा खाना हो गया हाँ तो कहीं ना कहीं तो कहीं हमारी बॉडी पे अटैक तो करता ही है हाँ ना, हाँ तो नुकसान तो होता ही है उससे। हाँ तो ये शुक्र है कि रिपोर्ट सही आई है ना? रिपोर्ट सही आई है, मुझे लग रहा था पथरी वगैरह का दर्द ना हो, यही ना हो, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, तो तो दवाई ठीक वगैरह भी है। हाँ खाएंगे ना? दवाइयाँ आई हैं, दवाइयाँ कड़ी अच्छा मिल जाएगी। दवाइयों के अच्छा बिना तो आजकल तो तो वो तो इंसान है ही ही नहीं, नहीं। हमारा तो सरता ही नहीं, साढ़े सरदा ही नहीं, कई बार रोटी के छोटे छोटे बिना, टेंशन मिल रोटी के बिना जाते, सर जाएगा, दवाइयों के बिना नहीं चढ़ दवाइयों के बिना सकता। नहीं सरता, क्योंकि बीपी की दवाई, शुगर की दवाई नहीं खाते तो वो फिर बीपी हाई हो जाता है, अब शुगर। जैसे मुझे हाँ डेली में गोली खानी पड़ती है ना, वो हाँ तो डेली में खानी खानी चाहिए, पूरा दिन कुछ ना खाओ पर एक गोली बार तो खानी ही बता, खानी है। जब मम्मी थी, मम्मी का कितना बड़ा डब्बा था, सुबह उठते ही सबसे पहले मम्मी डब्बा ही तो बेचारी उठाती मम्मी। थी। हाँ थायराइड की भी खाती थी, शुगर की भी खाती थी, बीपी की भी खाती। मम्मी वो डॉक्टर कहता था माता जी आपको कौन सी बीमारी नहीं है, आप इतना बड़ा थैला दवाइयों का, हमें बड़ा बीमार, टेंशन वाला बड़ी काम टेंशन है वाला काम। सही में, मतलब अब मैं गोलू ऐसी के घर जाती हूँ ना, मेरा बैग दवाइयां दवाइयों से भरा रहता है, तो गोलू मुझे कहती है, कहती मम्मी जी आप कुछ और लाओ ना लाओ, दवाई भरी तो हुई है। लेके। मैं कहा बेटे मेरा गुजारा नहीं। अब कहीं पे भी जाना हो, चलो ये तो गोलू के घर की बात है, कहीं पे भी जाना हो तो दवाई तो साथ में होनी चाहिए क्योंकि कभी भी कोई भी हर प्रॉब्लम हो चीज सकती है। सेट्राजीन भी, मतलब कि खुजली ना मच जाए। कुछ लेना मत हाँ जाए। कई हाँ बार हो जाता है ना ऐसे हाँ ऐसे हो करते जाता हुए, है। अच्छा तो ना लगता है, मतलब कि लूज मोशन की, सिर दर्द की, टांगे दर्द की, जुकाम गोली भी की। आए हैं। गोली भी, आपका क्या विचार है इस बारे में, मैं कुछ नहीं, मैंने कटिंग कराने जा रहा हूँ, सीधी सी बात है, और इन्होंने चप्पलें ले लेके पूरा तिलक नगर, आप तो वापस आ इस गए।
ये भाई से पीछा ना छोड़ दे, अब सूट डॉली को सूट आगे पसंद ही नहीं आ रहा कुछ भी। पर सूट पे आ रहा भी तो है कितना। हाँ मैंने फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कहा भाई तुम ऐसे करो सूट तो बात नहीं, पहले सूट ले लो। कहते नहीं, मैं कुछ खा लो पी लो, करे नहीं करे लगता भाभी वगैरह भी ऐसे चाहिए, कुछ नहीं खा के भी क्या आया। नहीं हमने क्या खाया अभी, तो फिर मैंने इनको तो गोलगप्पे तो खा के आते कम से ब्रेड पकौड़ा गोलगप्पा। वो सिंगला वाले से बेकार गोलगप्पे। अरे नहीं उसका तो बहुत गंदा खाना होता है। मैं तो आ गई थी पता क्यों, जो हम फेवरेट भाई से जो फेवरेट भाई भैया से खाते ना वो दूसरी मार्केट में था, सिंगला वाले के बिल्कुल बेकार गोलगप्पे। क्यों बेकार हो गया? अब क्यों भाभी, उस दिन हम गए थे चेरी और मैं वहाँ पर टूरिस्ट लोग खाए थे, बड़ा मुश्किल हो गया था बर्दाश्त करना। खाती दो उसके खाती दो, ये कौन सा है कोने पे आते भापे की हट्टी। नहीं रामा वाले के खा कभी, शिशु सदन के सामने है रामा वाला, 50 रुपए की प्लेट है छोले भटूरे, नंबर 1 के छोले भटूरे। वैसे छोले भटूरे है नहीं बिल्कुल उसके सामने का है। रामा वाला नहीं है वो, मैंने भी नहीं देखा कभी। अच्छा जो बर्तनों वाली शॉप है उसके पास। हाँ उसके सामने बर्तन वाली, शिशु सदन के बर्तन वाली शॉप है बिल्कुल सामने कोने में रामा वाला। एक बार छोले भटूरे ले मंगलवार को तो बुधवार को ले आऊंगी, परसों ले आऊंगी ना। हाय हीरोइन कोको, कोको तो गाइस कोको चल रही है मेरे साथ छत पे। चलो आजा कोको, आओ कम कोको, आजा आजा कम कम आ मेरे बच्चे, चलो चलो भागो भागो भागो। तो साथ में कैसे आती हूँ ऑफिस से बताइए। ऐसे ऐसे स्कूटी चलाती है चाची, सब चाची 2 कदम चलती है स्कूटी से, चाची फिर पैर लगाते हैं, झूठा है। चाची अपना ध्यान रखे फ्रीडम हो जाते हो, लेडी को तो थोड़ी सी होती है ना फिर बचा के भाई। मेरे को तो मैं जिंदगी में कभी स्पीड में ना हूँ, वो जब मुड़ते हैं ना ऐसे यार फिर आकर अपने चाची मुड़ने से पहले ना लोग ना पीछे से पहले पूरी स्कूटी रोकती है। हाँ ये सच्चा है, तुझे पूरा वो देखता रहता है तू क्या क्या करती है सभी लोग पीछे से हॉर्न बजाते हैं। मैंने कहा बजाता रहे, मैं मुझे सिखाता नहीं है, मैंने बोला 10 बार की इलेक्ट्रॉनिक सिखाते तो साइकिल की तरह ही है। नहीं मम्मा अब इस उम्र में आपकी हड्डियां थोड़ी तोड़वानी। नहीं नहीं आज जरूरी थोड़ा ना टूटेगी, कहाँ से टूटेगी बताइए। आधी बार मुझे साइकिल भी नहीं चलानी आती तो मुझे स्कूटी कैसे आएगी इतनी जल्दी। नहीं साइकिल तो मैंने बचपन में बहुत चलाई है। तभी तो तूने फटाफट स्कूटी सीख ली, मेरे को तो बिल्कुल आती नहीं है ना। हाँ मेरे को तो इशू ने सिखाई थी 4 दिन में ही। हाँ तो ये भी मुझे सिखा देगा, इलेक्ट्रॉनिक को ज्यादा भारी थोड़ी है। तो सीख लो ना, क्या हो गया बोला है पता नहीं कब ये नया काम करवाएगा, पता नहीं कब कराएगा सार्थक नया काम। ये नया काम कब स्टार्ट होगा, जब इसकी वाइफ आएगी तभी करेगा। ओए ये अपनी वाइफ को फिर गाड़ी सिखाएगा। हाँ ना नहीं वो भी स्कूटी और मैं दोनों सीखेंगे साथ में, साथ में उसको गाड़ी स्कूटी सब सिखवाऊंगी। हाँ तो सही बात है, मैंने नहीं किया उसको सारा काम करवाऊंगी। अगर पहले से जो हमने नहीं करा हम सब कुछ कराएंगे वो। पहले से आती तो सोने पे सुहागा क्या, पहले से आती होगी तो सोने पे सुहागा तो वो तो बहुत भी अच्छी बात है। और पहली बात तो वो वैसे ही उसके पास गाड़ी स्कूटी पहले से ही होगी, फिर वो मम्मी को सिखा देगी। हाँ हम लेंगे भी ऐसी है कि जो भाई तेरे जैसे ही हो बिल्कुल। हाँ, और क्या स्कूटी हर चीज सीखी हुई हो, पहले से सीखी हो। हाँ, मेरे को सिखाना ना पड़े। नहीं ऐसे लल्लू पल्लू मेरे जैसे नहीं लेना ना, पापा ने तो मुझे ले ली, चलो कोई बात नहीं अब मैं अपनी बहू तो ऐसे स्मार्ट वाली लूंगी बिल्कुल। हाँ, मस्त और क्या, जिसमें पता भी ना चले कि सास कहू और बहू कौन है। अभी कहाँ पता लग रहा है आपको देख के, वो थोड़ा बहुत अभी मैंने मेंटेन करेगा तब चिंता हो जाएगी, तब मेंटेन करके रखो। अच्छा फिर टेंशन क्या, वजह बहुत अच्छी आएगी। अरे वो तो वैसे ही बहुत अच्छी रहेगी, मेरी नेचर ही ऐसा है कि वो तो सही है ना? नहीं मेरी सास है। हाँ, तो रहना भी ऐसे ही चाहिए कि पता ही ना चले। हाँ, तो उसको लगेगा कि मेरी सास तो है ही नहीं है, मैं सास की तरह रहूंगी क्यों। अब रहना मतलब फ्रेंड्स की तरह रहना, फ्रेंड देख हम क्या क्या हम क्या हम क्या गुल खिलाएंगे भाई बोले हम क्या गुल खिलाएंगे घर में हम दोनों बाहर। मैं भी रौनक यही बोलती हूँ, मैंने कहा तेरी तेरी बीवी आएगी ना उसको मैं घर में बैठने नहीं दूंगी, हम दोनों गायब रहेंगे, तू घर में बैठ रही हो घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं 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 पागल है क्या ये, घर में रखेंगे खेलेंगे कूदेंगे और क्या, बहू ला के हम खेलने के लिए ला रहे गुड़िया ही लाएंगे हम, है ना भी हर माँ बाप के बच्चे गुड़िया ही होता है, जैसे मेरा गुड्डा गुड्डी होगी और क्या। और क्या नहीं मैं सॉरी आपको आती मैंने काम पर लगा दिया, कोई बात नहीं। दूध का ध्यान रख रहा हूँ, उबलना चाहे। हाँ वो ध्यान रखूंगी, अब तूने बोला था बाबू की मम्मी क्योंकि आपने क्या कह रहा सॉरी तूने बोला था मैंने ब्रेड पकौड़ा खाना है, मैंने बाहर से नहीं लेके आना था वही ना, के मेरा मन ही नहीं मान रहा ना कि तूने बोला है तो ना जैसे हम कल क्या बात कर रहे थे वैसे।
रात को हम अपनी जुबान पे कभी टिक नहीं सकते गाइस, क्योंकि हम खाएंगे वही चीज जो हमें मना करी जाती है, इट मींस जो हम खुद को मना करते हैं वो चीज हम जरूर खाते हैं। तो इसलिए अपने आप को किसी चीज के लिए गाइस कभी मना ही मत करो, जो दिल करता है जिंदगी जियो खुल के। जिंदगी जियो खुल के, जिंदगी जीने और जीनी चाहिए खुल के, हाँ, पर, तो हो। पर तरीके से ताकि खुद को नुकसान भी ना हो ना भी गाइस, तो इस करके नुकसान ना हो गाइस। हाँ तो नुकसान ना हो। अभी बना रही हूँ मैं रौनक के लिए, मैंने सोचा था आलू और गोभी का परांठे बना दूंगी, पर अभी गोभी नहीं है मेरे पास, तो मैं ऑलरेडी परांठे खाए हैं वैसे भी। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी आलू के पकोड़े और साथ में थोड़ा सा पनीर पड़ा मेरे पास और 5-7 पकोड़े उसके बन जाएंगे, तो आलू और पनीर के पकोड़े पे रौनक बना के खिलाऊंगी अभी रौनक, ठीक है। सही देखा ना, आपने बाहर से लाना नहीं था तो घर पे बनाओगे ना। हाँ तो वैसे कोई सजा है क्या? नहीं सजा तो नहीं, लेकिन बाहर से नहीं लेके आते, घर पे तो बनाना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना। सही बात है, मेरा बच्चा मैं बना के दूंगी ना, देखो फिर लालू है तो फिर फटाफट से बना दो, टाइम हाँ, अभी तो रात का भी तो खाना है, वही कह रहा हूँ मैं। देख मैं आती, मैं रसोई में लगी हूँ सिर्फ अपने बाबू के लिए, समझ गया। तो अभी लगेगा कम से कम 20-25 मिनट तो मान के चल, बस इतनी देर में बन जाएगा। हाँ वाह चलो ठीक है, उसके बाद मैं रात को बनाऊंगी चावल बनाऊंगी, पुलाव बनाऊंगी, कोई ना चलेगा, चिकन खाएगा ना, चलेगा ठीक। तो गाइस मम्मी ने बना दिया मेरे लिए पनीर के और आलू के पकौड़े, साथ के अंदर मैंने थोड़ी सी केचप ली है और यहाँ पे है ग्रीन वाली चटनी, देखो क्या प्रेजेंटेशन किया मैंने, इसके अंदर धनिया के पत्ते डाले मैंने। तो जो ये लंबे वाले ना ये है पनीर के पकोड़े, और जो ये गोल वाले ये आलू के पकोड़े हैं। गाइस ये तो मैं वैसे टाइम पास खा रहा हूँ, मैं एक्चुअली में तो मुझे खाना खाना ही है, ये बस टाइम पास खा रहा हूँ मैं, ब्रेड पकौड़े नहीं सॉरी मतलब आलू के और ये पनीर के पकौड़े। तो गाइस ये है तिल के लड्डू जो कि गुड़ से बनाए गए हैं, ये दिए हैं डॉली भाभी ने और ये दिए हैं सोनिया भाभी ने, दोनों तिल के लड्डू है, दोनों तिल के लड्डू है देखो। और उन्होंने भोग लगाया था, हाँ उन्होंने भोग लगाया था, ये डॉली भाभी दे के गई है और ये सोनिया भाभी दे के गई है, और दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा है गाइस। खाया कबाब ने? ये वाला खाया मैंने। अच्छा तो ये भी टेस्टी होगा। अच्छा बाहर खाया था आपने। तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, आपके प्यार और आपके साथ के लिए गाइस थैंक यू सो मच, और इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट और अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।